हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। दिन की शुरुआत में हम जा रहे हैं कूड़ा फेंकने। बस ये काम होते हैं, कूड़ा कूड़ा इकट्ठा करो और फेंको आम के पेड़ का। यहाँ कूड़ा इकट्ठा करके ले जाते हैं। ढक्कन नहीं लगा के ऐसे ले जाऊंगी ना, आ जाएगा। ये थोड़ा ही तो है। तो फ्रेंड्स, ये देखो कूड़ा लेकर हम जा रहे हैं फेंकने के लिए। हमारे यहाँ पे कूड़े की कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं है। तो फ्रेंड्स, कूड़ा फेंक के हम आ गए हैं और अब चल रहे हैं घर की। और ये देखो आज भी मौसम ऐसी है, बादल बादल सा। और ये लगी है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हमारे। शहर में सुबह सुबह सीढ़ियाँ चढ़वा दी। हाय, मैं तो थक गई दौड़ के। यहाँ ऐसे चलना मुश्किल हो रहा है। बोले दौड़ के चलो। व्यू देखो गाइस, व्यू क्या व्यू है, बढ़िया बढ़िया। तो ये फ्रेंड्स, अभी चल रहा है जोरों का तूफान। बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। खिड़की तक बारिश आ रही है। ये देखो खिड़की में शीशे आप देख सकते हैं, पूरे गीले हो चुके हैं। बारिश ना पीछे को आ रही है और मेरे नीचे कपड़े भी हैं, मुझे वो भी उठाने हैं। तो चलती हूँ मैं भी फटाफट नीचे। मैंने स्टैंड ही इधर ला दिया, स्टैंड पे कपड़े थे। और बारिश आ रही है, इतनी जोरों की बारिश है आज तो बहुत जोरों की बारिश आई है आज तो। तूफान भी उफ। अरे यहाँ तक भी बारिश आ रही है, आग वाली बारिश। अंदर तक पानी पानी, यहाँ तक में भी कुछ हो रहा है गड़बड़ घोटाला। मुझे जाना था मार्केट। ये अनुराग के शूज़ लेके आए थे, जो वो थोड़े से बड़े हैं अनुराग को, तो ये चेंज करने थे मुझे। और पानी भर गया अंदर अंदर, इसको साफ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, तेज़ तेज़ बारिश तो हो चुकी है बंद, जो कि इधर इधर तक पहुँची थी वो तो हो गई है बंद, लेकिन फिर भी अभी बारिश हो रही है। और मुझे जाना है मार्केट, मन नहीं कर रहा जाने का। अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, 2:30 बज गए हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने सोचा कि रुक जाती तो अच्छा था। बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है, लेकिन मुझे मार्केट जाना ज़रूरी है। अनुराग के शूज़ भी चेंज करने हैं मुझे, और मैंने कल का अपना दिया हुआ है कुछ सामान रिपेयर करने के लिए, वो भी रिपेयर होके मुझे आज ही लेना है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चली ही जाती हूँ और फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और फिर निकलती हूँ, छाता लेकर जाऊँगी। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए यही है। बारिश बहुत ज़्यादा और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और पूरा गीला गीला हो चुका था, मैंने वाइपर लगा के था सारा साफ तो कर दिया, फिर भी गीला ही है अभी। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं फिर से रेडी हो गई हूँ जाने के लिए मार्केट, क्योंकि मुझे चेंज करने हैं अनुराग के ये शूज़। और इसमें है एक सूट जो कि मैं लेके आई थी, वो भी मुझे चेंज करना है। अगर वैसे तो सूट बहुत सुंदर है, लेकिन विदाउट दुपट्टा है। अगर मुझे दुपट्टे वाला सूट मिल जाएगा तो फिर मैं वो सूट चेंज करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने कल अपना किटी सेट जो था वो दिया हुआ है ठीक करने के लिए, वो भी मुझे लेके आना है। तो बस ऐसे ही काम है थोड़े थोड़े, और शूज़ एक्सचेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम इतने ज़रूरी नहीं। क्योंकि अनुराग को स्कूल के शूज़ हल्के से फटे हुए हैं आगे से, और उसने बोला था 5 नंबर मुझे सही आ जाएगा, लेकिन वो सही आया ही नहीं। उसको बड़ा 6 नंबर सही आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ 5 नंबर ले आती हूँ चेंज करके, बस यही काम के लिए जाना है। लेकिन बाहर हो रही है बारिश और छाता लेके जाना पड़ेगा। और आज मैंने पहन लिया थोड़ा सा वॉर्म, ये वॉर्म है मेरा फेरन, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ये, तो बस ये पहन लिया मैंने वॉर्म सा। ये बाहर पड़ा था, बाकी मैंने वॉर्म कपड़े सारे रख दिए थे, ये थोड़ा सा बाहर पड़ा था, तो मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी हो रही है बारिश, और बारिश में देखो सतलुज नदी में पानी।
कैसा लग रहा है बारिश में मौसम। स्कूल में भी छुट्टी हुई है और बच्चों के आने का टाइम भी है। और ये रही हमारी सतलुज नदी। हेलो हेलो। तो जी मैंने शूज़ चेंज कर लिए हैं और एक शूज़ मैंने अपने लिए भी ले लिया। तो और साथ ही साथ मार्केट में देखो आज बिल्कुल भी रश नहीं है, बारिश की वजह से बिल्कुल भी रश नहीं है। लोग है ही नहीं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाले वही आए और मैं भी आई क्योंकि मुझे भी काम है मार्केट में बहुत ही ज़रूरी वाला। अब चलते हैं अपना सूट चेंज करने के लिए। तो सूट चेंज करवाने के बाद मैं आ गई थी अपना हेयर कट करवाने के लिए। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि हेयर कट करवाऊं मैं अपना, लेकिन नहीं करवा पाई थी। और जब हम गए थे लुधियाना तब भी मैंने सोचा था कि चंडीगढ़ में करवाऊंगी हेयर कट, लेकिन नहीं करवाई पाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपना हेयर कट करवा ही लेती हूँ। तो मैं हेयर कट करवाने आई और जो एस के ब्यूटी सैलून है वहाँ पे मैंने हेयर कट करवाया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मेरा हेयर कट और एक दो वीडियोस भी हमने बनाई, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। ये देखो मेरा फाइनल हेयर कट। आई थी यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में। और ये भैया अपना नाम बताना, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है साहिल और ब्यूटी पार्लर का नाम है एस के हेयर एंड ब्यूटी सैलून में। और मैंने हेयर कट कर दिया है तो मेरा हेयर कट। उन्होंने मुझे असिस्ट किया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आकर, थैंक यू भैया। तो अभी मैंने हेयर कट करवा लिया है और अब जा रही मैं घर। हस्बैंड घर पहुंच के बार बार कॉल कर रहे हैं तो कहाँ, पर मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं हेयर कट करने आई। नमस्ते भैया। तो अभी जाके पता चलेगा, देखते हैं हस्बैंड का रिएक्शन की कैसा होता है ज़रा घर जाकर। अभी मैंने अच्छा लग रहा है, पर मैंने इतनी मुश्किल से लंबे बाल किए थे फिर मैंने कटवा दिए। अभी हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी मत कटवाना, हम चंडीगढ़ में जाके कटवाएंगे, लेकिन मैंने कटवा दी। अब देखते हैं रिएक्शन कैसा रहने वाला है, जाके देखते हैं घर जाके। ऊपर खड़े हैं बाहर, देखते हैं रिएक्शन जरा कैसा रिएक्शन देते। गालियाँ पड़ ली, गालियाँ हैं, एक घंटा हो गया फोन करके, फिर तुम अब आ रहे हो हैं, इतना टाइम क्यों लगाया? नहीं लगा सकते है? नहीं लगा सकते, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या क्या लेट क्यों आए? क्या मैंने चाय बना रखी थी, पता वो बंद करके रखी हुई, अब इसलिए आई लेट, इसलिए आई लेट। इतनी को तो देखो कुछ बदन चल रहा, दिखा के भी बदन चल रहा, दिखा रही होगी इसलिए आई लेट। बाल किए तुमने, ये देखो देखो जरा देखो इनके रिएक्शन। अरे मैं बड़ी सोच के आई हूँ, मैं कहीं डांट पड़ेगी या तो बोलेंगे अच्छा है, गुड़ गोबर कर देता तो सीधा गुड़ गोबर ही कर देता। देख बना दो वीडियो कैसे है हुमा, ये तो बढ़िया हो गए, ये कैसे बाल हो गए, बढ़िया हो गए ना, कर्ली कर्ली जैसे हो गए यहाँ से। अच्छे हाँ जी, कैसा है मेरा हेयर कट? अच्छा है। हैं? अच्छा है। पापा को देखो जरा, पापा को गुस्सा आ रहा, आपको देखो जी जरा मेरे पति देव को लग रहे हैं अच्छे, आपको कैसे लगे? गुस्सा तो नहीं कर रहे नहीं। कि आपने मेरे को मना किया था ना कि मत कटवाना बाल, मैंने दुख तो मेरे को भी हो रहा था, इतने लंबे बाल किए मैंने अब काटू, मैंने उनको बोला कि जितने पॉसिबल हो सके कम से कम छोटे करना। फिर कैसे है? बहुत बढ़िया है। अब तो देख लो ध्यान से, अच्छे है, पता ही नहीं चल रहा है जो मैं बोल रही हूँ, मैं सामने से बोल रही हूँ इसीलिए आई हूँ। अच्छे ना अनुराग को तो आ गई मेरे बालों की कटिंग पसंद। ये देखो जरा इनको, देखो जरा इनको, कोई पता ही नहीं चला कि मैं, आपको सच में नहीं लगा बताइए, मजाक कर रहे थे आप, सच में नहीं पता लगा तो आपको ऐसे नहीं लगा कि ऐसे खुले जैसे बाल? मैं कहाँ इतना, आई एम सो जगह ऐसे खुले रखे हैं ना,
अच्छी लग रही है ना मेरे पास। पुल पे देख रहा था मैं, खुले बाल रखे हुए, बस इतना देखा हमने। मैं तो सोच रही थी मैं मुड़ के दिखा देती हूँ यहीं से, पता लगा जिसको सामने पता नहीं लगा पुल पे तो क्या ही पता लगता। चाय बनाते मैं पानी को रखा हुआ बाहर। तो ये दोस्तों मुझे तो अपने बालों की कटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई और एक दो वीडियोस भी बनाई है वहाँ पे मैंने, सिनेमेटिक्स भी बनाए उन्होंने, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मुझे अच्छे लग रहे अपने बाल यार, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ना जी। हो गया वे हो। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम, और शाम होते ही अनुराग को देखो क्या खाना है, क्या खा रहे हो ये? पॉपकॉर्न। अनुराग को खाने पॉपकॉर्न और अपने पापा से बनवा दिए, और आज अनुराग ने ना 10-10 rupees वाले दो पैकेट बनवा दिए, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर के, क्योंकि एक पैकेट में एक होते प्लास्टिक और एक गोल्डन, एक पैकेट में कम हो जाते हैं ना। और अभी हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। कैसे लगे पॉपकॉर्न सर आपको? बढ़िया। बड़े बिजी है आप, कहाँ बिजी है? स्वाद है। बिजी तो आप है, खाए ही नहीं रहे। आहा क्या स्वाद है, और डबल हो गया इसका स्वाद आपके हाथों से, और तो स्वाद बढ़ गया। मेरे को दे ही ना, भूखी अच्छा, होगी मेरे को। हाँ कर रहे हैं। इतने सारे ढाल दिए। मंकी बन गया मैंने, मंकी। ठीक है ऐसे भी। तो ये फ्रेंड्स अभी बजे हैं रात के 9:15 हैं अभी शायद, और हम दोनों खेल रहे हैं टेबल टेनिस, और लाइट है नहीं, और हमने जुगाड़ कर रखा है। मम्मी जैसी आए वैसी हम खेलने लगे। चार्जिंग बल्ब से खेल रहे हैं अभी, वैसी लाइट चली कि अभी चार्जिंग बल्ब के सहारे खेल रहे हैं। हाँ, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी रात के 9:30। देखा हमारे जुनून। क्योंकि पहले खेल नहीं पाई थी मैं, और कामों में बिजी थी थोड़ा सा, वीडियो एडिट वगैरह करना, ये वो अपलोड करना, क्योंकि आजकल लाइट की बड़ी इश्यूज हो रहे हैं, तो वीडियो अपलोड करने वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि एडवांस में काम करके रखती हूँ। और कल भी नहीं खेल पाए थे हम, और आज खेल रहे हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर और प्रैक्टिस। चलिए चलते खेलते हम। तो काफ़ी देर तक हम टेबल टेनिस खेलते रहे, और अनुराग का तो जी नहीं भरता टेबल टेनिस खेल खेल के, अनुराग को लगता है कि मैं खेलता ही रहूं। और 10 बज गए थे, फिर 10 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, तब जाके अनुराग सोने गया और मैं भी फिर उसके बाद सोने चली गई। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, और होप करते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नए और बढ़िया से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।